सब किस तरह का ध्यान आज हमारी तरफ से नगर परिषद की टीम से अतिक्रमण हटाओ अभियान और पोलोथीन से संबंधित जो भी अगर दुकानदार रेडी साल कोई भी यूज़ कर रहा है उसके चलान की कार्रवाई का अभियान है ताकि शहर को पोलोथीन मुक्त किया जाए। और साथ के साथ हम दुकानदारों से भी सहयोग मांग रहे हैं भी स्वच्छता में अतिक्रमण में और पोलोथीन मुक्त करने में हमारे सहयोग करें। सर अतिक्रमण बड़ी समस्या है, आमतौर पर बाजारों में अतिक्रमण ज्यादा देखने मिलते हैं, रोड़ी बाजार की बात करें या मक्का मार्केट की। जी तो किस तरह की सर तो उसी को देखते हुए आज हमने सुबह करीब 10 बजे शुरू किया था। हम चल रहे थे मोता मार्केट से होते हुए जनता भवन रोड तक जाएंगे और जितना भी कवर होगा शहर पूरे लगभग कवर करेंगे और रूटीन में इस अभियान को भी रखेंगे ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। पोलोथीन को लेकर भी रेडी चालक आपसे दुरुस्त होकर दिखाई दे रहे हैं, जब चलान होता है तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ बनती है विरोध की, वो तो आम पब्लिक का विरोध रहता है जब चलान कटता है तो उनका इशू रहता है इस तरह का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो अगर उसको यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए। सर जो दुकानदार है होलसेलर है जी उनकी होलसेलर की भी हमने कार्रवाई की है। होलसेलर की लगभग देखने में ये आया है जितने जो रेडी चालक है लगभग वो यूज़ करते पाए है, इसलिए आज विशेषकर रेडी जो चालक है उनको हमने देख चेक किया है। आपका कहना कि यूज़ करना गुनाह है बेचना गुनाह नहीं है? दोनों ही है, जो बेचने वाला है उसका भी हमने चलान किए है, होलसेलर की भी चलान किए है, लेकिन आज जैसे ये रेड चालक है ये यानी खुलेआम जो यूज़ कर रहे हैं पब्लिक को दे रहे हैं तो इनको चेक किया है, जिसके पास पोलोथीन मिले हैं हमने उसके चलान वगैरह। आपके नगर परिषद के गेट के पास ही पूरा अतिक्रमण कर रखा है गली में? आज हम वही आपको पहले बताया है, वहीं से हम चले यहाँ और वहीं से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, अगर दोबारा मिला दोबारा कार्रवाई करेंगे। अभी एक बार सामान जब्त कर रहे हैं हम, जो भी सामान आया हमारे पास उसको उठा के जब्त कर रहे हैं। नहीं कर रहे इनको आप? उसके बाद देखते हैं अगली कार्रवाई, जो भी अगर नहीं मानने गए तो उसके बाद अगली कार्रवाई करें।